गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। अयोध्या में ढांचा विध्वंस के 28 साल पुराने मामले में फैसला आने पर गोरखनाथ मंदिर पुलिस और सुरक्षा बलों की बढ़ाई गई तैनाती, चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना संक्रमण के रोकथाम संबंधित बैठक, होम आइसोलेट किए गए मरीजों के स्वास्थ्य के देखरेख के दिए निर्देश। भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में आयोजित हुई किसान गोष्ठी, संसद द्वारा पारित किसान बिल पर हुई चर्चा, गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक करने पर बनी सहमति। संचारी रोग पर नियंत्रण के लिए 1 अक्टूबर से महीने भर चलेगा दस्तक अभियान, प्रभारी डीएम व सीडीओ ने कहा, आशा कार्यकर्ती घर घर पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य का करेंगी ब्यौरा एकत्र, लोगों को करेंगी बीमारी के प्रति जागरूक। बाबरी मस्जिद के गिरने के मामले में सभी आरोपियों को सीबीआई की कोर्ट ने किया बरी, न्यायालय के फैसले पर हिंदू संगठनों ने जताया कोर्ट का आभार, कहा सत्य की हुई जीत। दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या, एसपी साउथ ने किया खुलासा, कहा 5 सितंबर को हुई युवक के हत्या आरोपी को खजनी पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। आर्यन हॉस्पिटल में भर्ती महिला की मृत्यु के उपरांत उसके शव से नोच कर कान के कनफूल को चोरी करने के संबंध में पुलिस ने अस्पताल के 2 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, 1 जोड़ी कनफूल किया बरामद, भेजा जेल। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई खंड विकास अधिकारियों की बैठक, शासन के विकास कार्यों में शामिल विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। गौशाला की आड़ में नकली शराब बनाने वाले अड्डे पर आबकारी विभाग ने मारा छापा, लाखों रुपए का नकली शराब बनाने के उपकरण और 1 स्कूटी सहित 1 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, आबकारी निरीक्षक ने कहा नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। मोहद्दीपुर स्थित आरकेबीके के पास फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 1 और शातिर अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ कैंट ने कहा घटना में था शामिल गिरफ्तार अभियुक्त, भेजा गया जेल। गोरखपुर में बुधवार को मिले 165 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 15,605, अब तक 252 कोरोना संक्रमित मरीजों की हो चुकी है मौत, एक्टिव मरीज हुए 1,659, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। अयोध्या मामले में फैसला आने पर गोरखपुर पुलिस रही हाई अलर्ट, गोरखनाथ मंदिर सहित शहर के कई प्रमुख स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की बढ़ा दी गई तैनाती, सुरक्षा के थे कड़े प्रबंध। राजघाट थाना क्षेत्र स्थित गुप्ता मोटर्स की दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने किया लाखों के सामान पर हाथ साफ, तफ्तीश में जुटी पुलिस। और कांग्रेसियों ने नव नियुक्त प्रदेश सचिव और गोरखपुर प्रभारी के प्रथम आगमन पर माल्यार्पण कर किया स्वागत, प्रदेश सचिव ने कहा संगठन को मजबूत बनाना ही है प्रथम लक्ष्य।